टू डेज क्वेश्चन इज हाउ टू प्रीपेयर फॉर सेबी एंड आर बी आई एग्जामिनेशन टुगेदर आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विद अ व वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल आंसर मैं आपको आंसर नहीं बताता हूँ पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वॉट आर दी ओवरलैपिंग एरियाज बिट्वीन से बी एंड आर बी आई एग्जामिनेशन सिलेबस दोनों में ओवरलैप्स क्या क्या हैंट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट आर दी नॉन ओवरलैपिंग एरियाज तो एज्यूम करते हैं कि सेबी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है और आपको ओवरलैपिंग एरियाज पढ़ने हैं देन वॉट परसेंटेज ऑफ सिलेबस आर यू कवर इन एम वट आई एम से उनकी सेबी का एग्जामिनेशन हो ही नहीं रहा है यू हैव लेट्स ए आरबीआई एग्जामिनेशन कमिंग अप इन मार्च और आपको उसको पूरा सिलेबस खत्म करना है बट आप सिलेबस कर रहे हो सेबी का तो आप आरबीआई का क्या, क्या क्या पार्ट कवर कर पाओगे दैट इज माई क्वेश्चन लेट्स फाइन फिगर आउट द आंसर सेबी के सिलेबस में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आता है जीके आता है जिसमें आप स्पॉटलाइट कवर कर रहे हैं अदर देन दैट देर इज फाइनेंस मैनेजमेंट एंड फोर अदर सब्जेक्ट्स। आई वोल्सो रिकमेंडेड द स्टूडेंट्स कि आप भाई फाइनेंस करेंट अफेयर्स भी करिए बिकॉज देर वर क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंस करेंट लास्ट ईयर दी एरिया लेफ्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज प्लस पी आई बी करेंट अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स पी आई बी करेंट अफेयर्स ओके ये तो हो गया नॉन ओवरलैपिंग और जो मैंने पहले बताया वो हो गया ओवरलैपिंग ना इफ यू है लुक एट सिलेबस इन द नेक्स्ट वन मंथ वॉट ऑल कैन यू कवर वॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस विच मीन्स स्पॉटलाइट फाइनेंस मैनेजमेंट प्लस फाइनेंस करेंट अफेयर्स ये आप सेबी के एग्जाम के लिए भी सब कुछ कवर कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू कवर इट फॉर योर आर बी एग्जामिनेशन ऑल्सो सो इफ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट इफ यू आर अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट योर साइकी वुड बी कि भाई ट्वेंटी एथ फेब्रवरी तक इफ आई एम कवरिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स माई अपकमिंग सेबी एग्जामिनेशन देन इनडायरेक्टली आई एम डन विद प्रॉबेबली एट्टी परसेंट ऑफ माई आरबीआईस एन एम नॉट इंक्लूडेड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की और भी वेटेज है ओके आप प्रैक्टिस कर रहे हो सम हाउ यू आर इम्प्रूविंग यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड यूर आरबीआई प्रेप ऑल्सो तो क्या कर रहे हो आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ओनली टिल ट्वेंटी इनडायरेक्टली प्रीपेयरिंग फॉर सेवेंटी फाइव टू एट्टी परसेंट ऑफ योर आरबीआई सिलेबस ऑल्सो तो सही आंसर ये है कि भाई बीस फरवरी तक एटलीस्ट सेबी की तैयारी करो आरबीआई को भूल जाओ वाई बिकॉज सेबी की तैयारी में आप आरबीआई भी कवर कर रहे हो ट्वेंटी एट फेबर के बाद यू थिंक अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज थिंक अबाउट पी आई बी करेंट अफेयर्स आफ्टर दैट इफ यू आर नॉट सेबी एस्पिरेंट इफ यू आर कंप्लीटली प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड नबार्ड देन ऑफकोर्स यू नीड टू स्टे अपडेटेड विथ पी आई बी करेंट अफेयर्स यूनिट टू कवर येस आई ऑल्सो बट अगर आप योर प्रायोरिटी सेबी प्लस आरबीआई तो फिर भाई सेबी की तैयारी करो आरबीआई की तैयारी आपकी मेजोरिटी उसी के साथ हो रही है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई साइमल्टेनियसली वेरी वेल इफ यूर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर सेबी सीरियसली डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर रहे हो तो टाइम पास कर रहे हो ये सोच रहे हो कि भाई अब ये हो जाएगा फिर आरबीआई की करूंगा आरबीआई की नहीं कर पा रहा हूं आरबीआई की हो रही है यू जस्ट फील दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट So, this was the answer of a very simple yet uh, a, a question uh, which has been roaming around in Telegram and all other places for a long time. How to prepare for SEBI and RBA together. Prepare for SEBI. Forget about RBA at the moment. Think about RBA after 20th February. By that time, if you're seriously preparing for SEBI, you're done with 75-80% of your syllabus of your preparation for. आर बी एज वेल ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट का टेक केयर जय हिंद